हिंदी टाइम्स मीडिया के सभी दर्शकों को राकेश तिवारी का हार्दिक अभिवादन और जो लोग हमें हिंदी टाइम्स टीवी पर भी देख रहे हैं उन सभी का भी हार्दिक अभिवादन। महत्वपूर्ण दिन है और आज के 2021 की बात की बहुत लंबा विस्तार में नहीं देना चाहूंगा, लेकिन 19 पर 20 भारी पड़ा और 20 के ऊपर 21 भारी पड़ा है, लगता है 22 ही जाकर के सबको बराबर करेगा। और इस पर मैंने एक कभी कविता लिखी थी, लेकिन वो कविता का दौर, कविता की बात शायद जब हिंदी भाषा का दिवस हम मनाएंगे तब हम बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन सर्वप्रथम जैसा हम करते हैं हमारे दर्शकों को की शुरुआत में हम आज के सब्जेक्ट, आज के विषय वस्तु और आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो आज की विषय वस्तु जो है वो है कि सैया भय कोतवाल। बड़ी पुरानी कहावत है जो कि भारत पाकिस्तान और जो लोग भी हिंदी उर्दू बोलते हैं उन सबको पता है कि सैया भय कोतवाल का मतलब क्या होता है। तो उसी तरह से हक्कानी साहब जो हैं वो अफगानिस्तान के गृह मंत्री हो गए हैं, जिनके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाउंड्री रखी हुई, उनके ऊपर रखा हुआ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर के अमेरिका से लेकर के सबने उनको घोषित आतंकवादी हैं, यानी उनको अगर कोई पकड़े मारे तो उसको करोड़ों डॉलर मिल सकते हैं। तो वो व्यक्ति बने हैं अफगानिस्तान के गृह मंत्री और वैसे ही बाकी सभी के नाम और लिस्ट में भी हैं। तो और उसके बाद में दुनिया और बहुत सारे ऐसे वेलविशर्स हैं पूरी दुनिया के जिनका ये कहना है, बड़ी बड़ी जिसे कहा जाए कि उनकी नाइवनेस पे और जिसको हिंदी में भोलापन जो कहा जाए कि उस पे एक शेर बनता है कि सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। वो कहते हैं कि ये अच्छे तालिबान हैं और सबको ये पता है कि ये वही तालिबान है, क्योंकि यही लोग पहले भी, पहला जो तालिबान का दौर था उसके अंदर ये भी, ये तब भी मिनिस्टर्स थे, तब भी इसके आका थे। इसमें जो मरने वाले हैं उसमें मुल्ला उमर मर गया, मुल्ला उमर की जगह पर उनका बेटा आ गया, बाकी सब ये के सब ये पुराने खुंड हैं जो वहां पर थे। तो आज वो पावर में बैठे हुए हैं, आज अफगानिस्तान की सरकार चला रहे हैं और पूरी दुनिया पेशोपश में है कि भाई किया जाए तो क्या किया जाए। और ऐसे में जबकि दुनिया के 6 देश ऑलरेडी मान्यता दे चुके हैं और कम से कम, और बाकी लोग बीच साइड में खड़े हुए कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जो बाइडन साहब कह रहे हैं कि अभी अफगान को इंतजार करना पड़ेगा, मतलब पूरी दुनिया मतलब कंफ्यूज्ड है, उनको कुछ पता नहीं कि क्या करें क्या ना करें। तो क्या करेंगे बाकी लोकतांत्रिक देश, जैसा मैंने आप सभी लोगों को सब्जेक्ट विषय भेजा हुआ है आपको पता है। और उसी के साथ में इसमें बात आती है कि ये भी सवाल इसके आगे इस डिस्कशन में, आज की बातचीत में हम बात करेंगे कि इसमें पाकिस्तान का कितना हाथ है। और तालिबान ने जिसने कहा कि हम जो है महिलाओं को पढ़ने लिखने देंगे, उनको हर तरह की हेल्प करेंगे, सब कुछ करेंगे, उनका पहला फरमान आ चुका है और ये सभी की जानकारी में है। मैंने आप लोगों को लिंक भेज दी हुई है, वो भी देख लीजिए, इसमें उन्होंने कहा औरतों को खेलने का कोई हक नहीं है, ये भी कहा है। तो और आज के हमारे पैनलिस्ट हैं, उन सब की मैं जानकारी आपको दे दूं। हमारे साथ जुड़े हैं भारत से डॉक्टर विनोद मिश्र और चंद ही मिनटों में कुमार राकेश जी भी हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। देखिए वो भी अपीयर हो गए, वो भी आ चुके गए हैं। भारत से ही हमारे साथ में जुड़े हैं, अब इनको मैं सोचता हूँ कि एक नाम के साथ ही बुलाऊं, वैसे जिस रूप में मेरा इनका परिचय भी था वो है अयूब खान साहब, लेकिन ये कॉमरेड भी अपने आप को एक समय में लगाते थे और शायद आज भी कहलाना पसंद करेंगे, तो वो भी मौजूद है हमारे साथ में। हमारे साथ में स्पेन से जुड़े हैं आलोक लाहर जी, और जो कि स्पेन से जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़ी अच्छी समझ बूझ रखते हैं, बड़ी संयत भाषा में बात करते हैं। और इन सबके बीच में हमारे साथ में मोइन खान साहब भी जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर थोड़ा सा मुझे बिल्कुल इनकी तरह मन करता है कभी कभी इनकी साइड ले लूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अकेले 4-5 लोगों की बातों का जवाब देते बड़ी बहादुरी के साथ में, अपने देश को पाकिस्तान को डिफेंड करते हुए, पत्रकार हैं, खुद का टीवी चैनल है, ये सब भी उनके साथ में बात जुड़ती है। विनोद मिश्र जी की बात करूं तो मैंने जैसा बताया हमारे जो नियमित दर्शक हैं उन्हें भली भांति पता है कि हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं, आप सभी लोगों का बेहद धन्यवाद आज के कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण विषय पर। मैं चाहता नहीं था, कई बार लगता है कि एक के बाद में एक लगातार हम अफगानिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं, कोई दूसरा विषय आना चाहिए, दूसरी बात होनी चाहिए,
लेकिन मेरी ये समझ है कि ये प्रेसिंग इशू है पूरी दुनिया, क्योंकि ये निर्णायक मुद्दा है। अभी हम सोच रहे थे कोरोना कोविड एक निर्णायक बात बनती है, 9/11 को हम निर्णायक मानते हैं दुनिया के लिए, उसी तरह से अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का बनना भी राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर एक बड़ा निर्णायक मुद्दा है, एक बड़ा निर्णायक इशू है, जिसके बाद में दुनिया इससे तय होगी कि दुनिया आगे आने वाले समय में किस ओर जाएगी। इस सारे विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद में हम जुड़ते हैं आपके साथ पुनः। सबकी निगाह इसी बात पे है कि अभी जो वर्तमान में सरकार बनी है और हर दुनिया की लगभग हर सरकार ने रिएक्ट किया है, जो मिनिस्टर्स बने हैं वहां पर, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर्स की बात की जाए, तो सवाल जो कि मैंने आप सभी लोगों को भेजा भी है वहीं पर मैं वापस आता हूँ और वही सवाल मेरा मोइन साहब से भी है। तो मोइन साहब जी, पाकिस्तान ने मान्यता तो दे दी है जी, बोलिए आपका आपका क्या कहना है इसके ऊपर। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है दुनिया की कि दस्तूर बड़ा ऐसा बना हुआ है कि जो प्रेशर में होता है, जो प्रेशर डालता है, जो ताकतवर होता है, वो किसी को भी टेररिस्ट भी कह सकता है, उसे कह सकता है कि ये चोर भी है, ये डाकू भी है, क्योंकि उसकी शक्लें लोगों को भी पसंद नहीं आ रही होती उस वक्त जब, क्योंकि वो जैसे कि अमरीका ने टेररिस्ट बना दिए, किसी को भी बना देता, मतलब पाकिस्तान में भी जो लोग अपना हक मांगे उन्हें कहते हैं तो दुश्मन है, आवाम के वो जमहूरियत तो दुश्मन है। भारत में भी ऐसा ही होता है। आपने सिराजुद्दीन हकानी का बात की कि सिराजुद्दीन हकानी को इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया, वो तो टेररिस्ट था। टेररिस्ट कहा किसने था? अमेरिका ने कहा था उसको, ठीक है ना, जो उसके मुखालिफ थे, क्योंकि अमेरिका ने कहा उसे टेररिस्ट हो गया। हकानी की बात कर रहे हैं पाकिस्तान ही था जिसने, कि पाकिस्तान भी उसी में शामिल था ये सरकार बनने के पहले, जिसने हकानी, उसने भी हकानी को, पाकिस्तान ने भी हकानी को टेररिस्ट माना सर अभी तक में, और अमेरिका की गोद में पाकिस्तान बैठा रहा अभी तक में जी। आपने मेरी बात सुने, मैं अपना तजिए दे रहा हूँ, मैं पाकिस्तान का तजिए दे रहा। पाकिस्तान की फौजी हुकूमत का कुछ और विचार होता है, अवामी का अलग होता है, नवाज शरीफ अलग होगा, जरदारी अलग होगा, ये अलग अलग चीजें होती हैं। अमेरिका जैसी हुकूमत होती है, जिसके मुताबिक वो चल रहे होते हैं, उसी की उसके वो गुनगाते हैं। ये इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है। अगर भारत और पाकिस्तान को एक साथ मत जोड़ें, मोदी साहब, भारत में फौजी हुकूमत नहीं होती, आपको पता है, साहब भी टेररिस्ट डिक्लेयर थे और अभी भी है उनके ऊपर, अमेरिका में जाने पर पाबंदी थी उनके ऊपर, वो भी टेररिस्ट डिक्लेयर थे, उन्होंने भी आप गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन बाकी पहले से उसका जवाब देंगे। मोदी जी को आतंकवादी किसी ने नहीं कहा, वो टेररिस्ट थे, बिल्कुल टेररिस्ट थे। इसी तरह से सिराजुद्दीन हकानी के ऊपर भी इल्जाम था, आज उनकी हुकूमत बन गई है, वो एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने लड़ाई की। मैं बेशक तालिबान को सिराजुद्दीन हकानी को फ्रीडम फाइटर मानते हैं, आज मैं आपके सिर्फ सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि ये एक बदकिस्मती है कि जो ताकतवर आदमी किसी पे इल्जाम लगा देता है, हम लोग भी वही बोलना शुरू कर देते हैं। हमें ये बोलना ही चाहिए, आपको अपने दिमाग से काम लें और ये देखें कि इन्होंने एक जंग लड़ी, 20 साल की जंग लड़ी है, 20 साल की जंग लड़ने के बाद वो हुकूमत जैसी तैसी बना रहे हैं, आप लोग मजाक बना रहे हैं उनका। ये कोई सेकेंडरी कंट्री नहीं है कि एक एस्टेब्लिश कंट्री बन गई है, ऐसा नहीं है। देखें वहां पे निजाम आ रहा है, ये बहुत बड़ी तब्दीली है तालिबान के नजरिए के मुताबिक। मैं समझता हूँ तालिबान को, मैं जितना जानता हूँ, मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, इन्होंने औरतों को पढ़ने का हक दिया है, ये पहली स्टेज है। आप कहें कि पहले तो खेलने का हक नहीं दिया है, वो खेलना ओलंपिक भी शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। एक स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं और वेट करना पड़ेगा जी। अच्छा, ऐसा कुछ कहा उन्होंने आपको? बाकी तकरीबन सभी लोगों ने अच्छी बात की है, लेकिन जहाँ पे मेरा 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 इख्तलाफ है वो यही है कि आप टेररिस्ट एकदम से ना कह दें। टेररिस्ट देखें, कोई किसी को हम कहते हैं ये वो सर, सालों साल से कहा जा रहा है उसको टेररिस्ट है, एक को आप कहते, दूसरा आदमी कहते ये टेररिस्ट है। चलिए
बहुत बहुत धन्यवाद मोइन साहब, आपने अपनी बात रखी। और मैं जानता हूं कि कई बार अनडिफेंडेबल को डिफेंड करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि कल तक पाकिस्तान की वही सरकार उसी हक्कानी को बता रही थी, आतंकवादी बता रही थी। हक्कानी पाकिस्तान में रहा और मुसलसल वो कैद में रहा है, और जी जी मुझे पता है जिस एड्रेस में वो रहा वो, और वो जहाँ पे उसको बंद किया हुआ था, एक नेट एक पूरा इनका इलाका था जिसके ऊपर इनको कैद किया हुआ था, वहां से बाहर निकल सकते थे। और आज वो आज वो देश के लिए लड़ने वाला बन गया। चलिए, आपने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही, लड़े हैं आप उन्हें टेररिस्ट कहते हैं, हम कहते हैं वो मुजाहिदीन है, तो ये फर्क होता है ना, हर बंदे की सोच होती है। जी जी, आपने अपनी बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया मोहिन साहब, और बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक मैं जरूर लेना चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेकर के तुरंत हम हाजिर होते हैं, और उसके बाद में जो आपने सवाल उठाए, क्योंकि कई जगह पे आप भी थोड़ा सा लाइन क्रॉस कर गए, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक इलेक्टेड जनता के द्वारा चुने गए, और आज की तारीख में आपको भी पता होगा कि पूरी दुनिया के जो जितने टॉप लीडर्स हैं उनके बारे में सर्वे किया गया, 70% रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी नंबर वन पर। अमेरिका में क्यों पाबंदी थी उनको जाने की? अरे सर, मैं आते हैं अभी अभी मोहन साहब, नरेंद्र मोदी के ऊपर एक दिन अलग से बहस होगी, लेकिन मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट दे एक बात कह रहा हूं कि तीन दिन पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें दुनिया के तमाम तर जितने भी मुल्क के देशों के जो वजीर आजम है, जो उनके हेड ऑफ स्टेट हैं, उनमें सबसे पहला नंबर 70% के साथ में नरेंद्र मोदी को मिला है। और उम्मीद मतलब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि हक्कानी साहब को ऐसे ही दुनिया के कोई बनाया जाएगा या उस ढंग की बात होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ में हक्कानी की और तुलना करना एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी बेइज्जती है, गलत है, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे। लेकिन ब्रेक लेकर के मोहन साहब आपके पास में आएंगे, ब्रेक लेकर के तुरंत हाजिर होते हैं, और ये बहस खरी खरी पर हिंदी टाइम्स मीडिया पर जारी रहेगी। बताएं कि अफगानिस्तान की सड़कों पे औरतों ने क्या नारे लगाए। मैं अगर बोलूंगा तो ये समझा जाएगा कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ हूं, मुझे पाकिस्तान भारत से अभी उतनी दूरी जितने हैं 3,000-4,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हूं मैं, मेरे पास नागरिकता भी नहीं है वहां की, तो मैं उनको एक बाहर के दृष्टिकोण से देखता हूं। और जब मैं देखता हूं कि वहां की आवाम क्या बोल रहा है, मेरे लिए सबसे जरूरी दो चीजें हैं, एक तो है डेमोक्रेसी और दूसरा है वहां की औरतों के हक, क्योंकि आदमियों को हमेशा हक मिल जाते हैं। जब भी कहीं परेशानी होती है, समस्या होती है, उसका जो भांडा होता है वो सिर्फ औरतों के ऊपर ही टूटता है और बच्चों के ऊपर टूटता है। जी, इसके साथ मैंने जो बहुत धन्यवाद। और कुमार राकेश जी, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं बहुत क्विकली चाहूंगा, बहुत लंबी नहीं, ताकि मोहित साहब बड़ी पेशेंटली सबको सुन रहे हैं ताकि वो जवाब दे सके बात का। बहुत क्विकली आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मोहित साहब ने दो एक बात कही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी टेररिस्ट थे और उनका तुलना हक्कानी से किया है, तो मैं बहुत ही आदर के साथ मोहित साहब को कहना पड़ेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी जानकारी को बढ़ाएं, पत्रकारिता के नाम पे धब्बा ना बने, पत्रकारिता के नाम पे सरताज बने और विश्व को एक सही ज्ञान दे, पहली बात। दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी पे जो अमेरिका ने वीजा का बैन किया था, वो उसी जो अभी जिक्र कर रहे थे आलोगी, 57 हिंदुओं को मैं बोल रहा हूँ ट्रेन में जिस तरह अमानवीय तालिबानी तरीके से जला दिया गया था, उसके बाद का रिप्रकर्शन था, लेकिन वो नरेंद्र भाई मोदी चीफ मिनिस्टर थे तो जो उन्होंने उस दंगे को कंट्रोल किया और विश्व के सभी एजेंसी ने उसको सराहा भी और सारे कोर्ट से बरी हुए। तीसरी बात, जब वो बात हुई और मैं ऑन द स्पॉट जा करके मैंने हर पहलुओं से बात की, और 2002 और 2013-14 तक एक भी दंगा नहीं हुआ, वही मुसलमान भाई ने सच को समझा, जो लोग थे उनको सजा मिला, उन्हीं लोगों में से वो भी आए, ये भी एक तथ्य है जो सत्य है। तो मेरा सिर्फ मोइन भाई साहब से और किसी से भी मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि यदि कोई गलत है उसको गलत बोले, सही है तो सही को सही बोले, गलत बयानी बिल्कुल ना करें। तीसरी बात, हक्कानी की बात जो कर रहे हैं, हक्कानी नेटवर्क विश्व में आज भी
आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्टेड है, उसको अमेरिका ने नहीं बताया। यूनाइटेड नेशन के द्वारा पारित प्रस्ताव में हक्कानी एक घोषित आतंकवादी आज भी है। चौथी बात, जो बिरादर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, जब पाकिस्तान ने देखा कि हमारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है, ये थोड़ा डेमोक्रेटिक हो रहा है, अपनी प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो वहां उन्होंने एक नए पपेट अखुंजदा को, जो अखुंद नाम है, उसको बैठाया। तो ये पाकिस्तान अब तालिबान के सहारे भारत में जो भी कुछ करने की कोशिश में है, उनकी साजिश सफल नहीं होगी। और आज की तारीख में रूस ने साबित कर दिया है कि जो मान्यता देने की बात है, हम भी वाच करेंगे। रूस फिर उसी यूएनएससी, जिसमें उसने मना कर दिया था प्रस्ताव को, उसी पे, उसी मुहिम पे रूस भी आ चुका है और चीन भी आ चुका है। तो इनको लगता है कि रूस और चीन साथ में है, वो भ्रम में ना रहे। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि जो स्थितियां हैं, मोइन साहब पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा इनसे और आदर के साथ कहना चाहूंगा कि लेटेस्ट अपडेट रहे। आप ने कल बहुत अच्छी बात कही थी मोइन साहब ने, कि तालिबान जैसा सरकार नहीं चाहिए किसी को, उनको भी नहीं चाहिए, हमें भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, विश्व में किसी देश को नहीं चाहिए। लेकिन क्या मैं मोइन साहब सवाल करूंगा, क्या ओसामा बिन लादेन को तालिबान में या पाकिस्तान में राष्ट्रपिता घोषित करेंगे आप, जिसको अमेरिका ने घुस मारा? मोइन साहब जवाब देंगे, मोइन साहब जवाब देंगे, जरूर लेंगे उनसे जवाब, जरूर लेंगे। लेकिन नहीं, आप जवाब देंगे, आपकी बात हो गई, चूंकि बात हम लोग जो कर रहे हैं, तीन सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग लेकर के चले, तो दुनिया पेशोपेश में थी। दूसरे नंबर पर, क्या तालिबान की जो सरकार बनी है, क्या पाकिस्तान पाकिस्तान द्वारा इसको बनाने में इसका पाकिस्तान का कितना बड़ा हाथ है, जिसकी ओर कुछ इशारा किया कुमार राकेश जी ने, और आलोक जी ने भी इशारा किया। बहुत क्विकली विनोद जी, आप क्या ऐड करना चाहेंगे, फिर मैं अयूब खान साहब के पास पहुंचूंगा, और आखिर में मोइन साहब, क्योंकि आखिर में बैटिंग आपको बोलने का इसलिए हक है क्योंकि आप सबकी बात का एक साथ जवाब दे सकते हैं जी, और आपके पेशेंस और धैर्य की मैं प्रशंसा करता हूं जी। विनोद जी क्या कहेंगे? राकेश जी, एक महीने पहले, 15 अगस्त के पहले की बात है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ खेलने को तैयार था और उसको इन्वाइट किया हुआ था, और वहां के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे कि हम अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने वाले हैं। तब तालिबान की सरकार नहीं थी, और उसके बाद तालिबान की सरकार के साथ अब खेल के प्रतिबंध हो रहे हैं। तो क्या ये गणित शो नहीं करता है साफ साफ कि पाकिस्तान का हाथ है? मोइन साहब इसको झुठला रहे हैं अभी कि पाकिस्तान अब तालिबान गुड़ तालिबान हो, उसके पहले तालिबान और पाकिस्तान तब समर्थन में था, खेलना चाहता था, खेलना नहीं चाहता, दूसरा खेल। तालिबान के पहले और तालिबान के बाद। तो अब दूसरी बात है कि तालिबान ने पाकिस्तान ने तालिबान में सरकार बनवाई है, तो पक्का बनवाई है। जितने भी ये आतंकवादी हैं, टेररिस्ट है, घोषित टेररिस्ट हैं, आफ्टर ए लॉन्ग रिसर्च ये सब टेररिस्ट घोषित किए जाते हैं, अब हुकूमत कर रहे हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। वाह, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई कि एक व्यक्ति जो गर्दन काट कर आया है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिब है, आपको पूरी बात का जवाब दे पाएंगे आप? यस क्विकली विनोद जी पूरी कीजिए अपनी बात। मैं जो बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, बीच में नहीं बोलता, तो मेरा कातिल ही मेरा मुंसिब है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो ये तो वही बात हो गई। अब कातिल को आपने मुंसिब बना दिया तो शरीफ आदमी हो गया, अब वो संत हो गया, तो ये बड़ी अजीब बात हो गई, जबकि उसने कोई संत जैसा काम नहीं किया है। और ये सब अलग अलग गुट के नेता हैं, इनको एडजस्ट किया गया है कि सबको सरकार में एडजस्ट कर दो जिससे एक साथ रह सके, कि विस्फोट ना हो अभी सरकार, और ये सरकार फिर टूटने वाली भी है बहुत जल्दी। ये गुट अपने अपने पठानी और पश्तून और ये सब लेकर के खड़े होने वाले हैं बहुत जल्दी ही, फिर देखेगा एक बार। और एक स्पष्ट बता दूं कैसे हुई है, पाकिस्तान के गृह मंत्री स्पष्ट कहा है कि ये हमारा पैदा किया हुआ है,
ये पर कल का बयान देखिएगा, पाकिस्तान के गृह मंत्री का बहुत साफ साफ बयान देखा। पाकिस्तान इससे इनकार नहीं कर रहा, पाकिस्तान इससे इनकार नहीं कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। अयूब साहब क्विकली आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें पूरे मसले पर, जिसमें पाकिस्तान का पूरा हाथ है? वैसे तो आपने बड़े क्लियर कट कह दिया कि भारत सेना वहां पर भेज दे और इंटरफेयर करना चाहिए, बस बड़ी सारी आपने बातें कही हैं, लेकिन क्या पूरी दुनिया में अपने आप में ये अनूठा ही मामला है कि जिसके ऊपर करोड़ों डॉलर की एक तरह से उस इनाम रखे गए हैं, ऐसा व्यक्ति होम मिनिस्टर बनता है? तो हर जगह पर हो सकता है। और तो इस पे तालिबान मतलब क्या ये हालात जो बने, तालिबान सरकार जो बनी है उसमें पाकिस्तान का जो हाथ है और जिसको पाकिस्तान भी स्वीकार कर रहा है, और मोइन साहब भी खुल के कह रहे हैं कि हमने रॉ को भगा दिया और हमारी आईएसआई ने ये सब बनवाया है और पूरी दुनिया भी इसको समझ रही है, तो आने वाले समय में जो गणित बनेगा वो क्या बनेगा? आपके बहुत क्विकली मैं चाहूंगा ताकि मोइन साहब अपनी सबकी बात का जवाब दे सके। जी जी धन्यवाद तिवारी जी। इसमें हमें किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं। जो तालिबान में, जो अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध में जो आंदोलन हो रहा है, उसके नारे, प्रमुख नारे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, आईएसआई मुर्दाबाद और तालिबान मुर्दाबाद। अब ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, वहाँ के लोगों का नारा ये है, तो ये दुनिया को अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि जनता वहाँ की परेशान किससे है। वहाँ की जनता वर्तमान जो सादागिरी से, गुंडागिरी से सरकार में जा रहे हैं आतंकवादी तालिबानी, इनसे भी खफा है, और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान से भी खफा है, और वो आईएसआई के भी खिलाफ है। तो ये तो इसमें हमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए कि वहां पर ये पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान स्पष्ट रूप से वहां अपना है, अपना अड्डा जमाना चाहता है और वहां की धरोहर को समेटना चाहता है। मोइन साहब ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में आतंकवादी कहा था, मैं विरोध करता हूँ इस बात का, और मैं फक्र के साथ इसमें कह सकता हूँ कि मेरे देश के जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक कोई प्रधानमंत्री आतंक वो क्या बोलते हैं उसको आतंकवादी नहीं है, कोई साहब प्रधानमंत्री हमारे यहाँ का इस टाइप का नहीं जैसा मोइन साहब आरोप लगा रहे हैं। हमारे विरोधाभास हो सकते हैं, उनसे हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वो सब हमारे अपने घर की बातें हैं। हम घर के अंदर अगर गलत लगेगा हमारी सरकार का विरोध करेंगे हम शालीनता में, हमारे देश के संविधान में हमें सारे अधिकार दे रखे हैं और हमें गर्व है कि हमारा देश आज तक संविधान के आधार पर चल रहा है, गुंडागर्दी से नहीं चल रहा है, जंगल राज से नहीं चल रहा है, जैसा बहुत शुक्रिया जंगल राज से चल रहा है, जैसा अफगानिस्तान जंगल राज से चल रहा है, भारत में वो कंडीशन नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगाया उसका मैं जोरदार विरोध करता हूँ, मेरे देश का प्रधानमंत्री कम से कम इतना गिरावा नहीं हो सकता। जी बहुत धन्यवाद मोहन साहब। अब आपका नंबर है, आपने सबकी बातें सुनी, मेरा सवाल सुन लीजिए। एक तो आपने खुले रूप में स्वीकार किया, आपने माना कि पाकिस्तान ने ये सरकार बनवाई है तालिबान को, बोलिए मैं सुनूंगा। मैंने कहा कि उनको भी कहा जाता था, आपकी सेवाओं को पत्नी तीली किस बात की लगी है? बात यह है कि मैंने आपके नरेंद्र मोदी को कहा कि उन पे भी इल्जाम लगा था टेररिस्ट का, अमेरिका ने भी आप दोनों को गलत बात है उनके टेररिस्ट का कोई सी आरोप नहीं लगाया, आप फिर करेक्ट कर ले अपने आप को। जी जी मोहित कुमार राकेश मोहित साहब को बोले कुमार राकेश जी मोहित साहब जवाब को बोलने दीजिए, उनको बोलने का हक है।
वो अपनी बात कह रहे हैं। आपको मोहन साहब एक बात तो जरूर स्पष्ट करनी पड़ेगी कि किसी के ऊपर आतंकवाद का आरोप लगाते हैं यानी तो इसका मतलब है कि उसका कोई परोक्ष या अप्रोक्ष हाथ होता है कि जिसमें उसने गोलियां चलाई गन लेके चले या जो कुछ भी हो। आज की तारीख में पूरी दुनिया में इस फैक्ट को स्वीकार कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि तीन दिन पहले का ये पूरी दुनिया का सर्वे आया है। 70% लोग नरेंद्र मोदी को दुनिया में इंडियंस मौजूद है, उन्होंने बना दिया हुआ कोई ना कोई अवार्ड उनके लिए। सर सर भारतीयों ने बना दिया, आपने भी बना दिया, अब इसका तो कोई जवाब नहीं। अब आप जवाब दीजिए सर, मैं सुनना चाहता हूँ मोहन साहब, आपको सुनना चाहता हूँ मैं। अच्छा, आपकी बात सवाल बताइए। चले मेरा सवाल सिर्फ ये है इस बात का, जैसे जी मेरा सवाल ये है, वैसे आपने सबको बड़े धीरे से सुना और बड़े बेबाक ढंग से अपनी बात रख रहे हो, कल आपकी बात को सब लोगों ने पसंद किया कि जो तालिबान की सरकार जैसे वहां बनी है वैसे आप अपने यहाँ पर नहीं चाहते, और ये बात सही भी है, कोई भी नहीं चाहता। पाकिस्तान का जो लोकतांत्रिक लोग है वो जी, आपने बड़े बेबाक भी किससे अपनी बात रखी, लेकिन आज ये सवाल है कि जिन लोगों को, और वैसे भी बात सही है कि जिन लोगों को आपने बनवाया है, ऐसे लोगों को आप अपने यहाँ पे कल कैबिनेट में नहीं रख सकेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आने वाले समय में क्या पाकिस्तान नहीं डरा हुआ है कि वहां पर भी तहरीके तालिबान और इसी तरह का मूवमेंट शुरू हो जाएगा और इसी तरह के लोग पावर में आ जाएंगे? जी ये सवाल है मेरा, जवाब दीजिए क्विकली। देखिये, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अभी भी मौजूद है ऐसे लोग जो मौजूद जो टेररिस्ट तंजीमों से भी उनका ताल्लुक है, और जो अगर टेररिस्ट ऐसे नहीं होंगे, इंडिया में नहीं किए होंगे तो पाकिस्तान के अंदर ही माइनॉरिटीज पे जुल्म कर रहे हैं और वो बकायदा कर रहे हैं। पंजाब का जो मिनिस्टर है वो खुद इस काम में इन्वॉल्व है। इमरान खान की कैबिनेट के अंदर मौजूद है इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी वाले, उनका काम ही यही है कि लोगों के ऊपर फसाद फैलाना, ये करना, ये कर रहे हैं लोग। मैं इससे बासे नहीं हूँ, मैंने ये कहा आपको कि कल का मोहन साहब आपको आपके लिए सलाम जाता मेरा कि आपने इतनी बेबाकी से इतना बड़ा सच हमारे सभी दर्शकों के सामने रखा। और ये आपकी देखें, जो खिलाफ जो गलत है वो गलत है। सिराजुद्दीन हक्कानी जो उनसे है ना, अगर कल को अमेरिकन उसे टेररिस्ट कहा था, आज वो तालिबान की आप पत्रकार, आप क्या मानते हैं कि हक्कानी आतंकवादी है कि नहीं? पत्रकार के नाते बोलिए। नहीं, आतंकवादी नहीं था वो फ्रीडम फाइटर था। अच्छा, मैं उसको फ्रीडम फाइटर समझता हूँ, उसने अपने मुल्क के लिए जंग कर रहा था और उन्होंने वो। चलिए एक दिन से हक्कानी के ऊपर बहस करेंगे हम लोग उनके उनकी मिस के साथ में। चीन, सुने मेरी बात, यूनाइटेड नेशन मुल्क है जिसने यूनाइटेड नेशन में घोषित किया 200 मुबारक है बोलने दीजिए जी। बोलिए 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 साहब, आप इल्जाम की बात कर रहे हैं तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर है उन पे भी तो इल्जाम था टेररिस्ट का। मैंने ये अल्फाज की मैंने कोई गलत बयान नहीं कर रहे हैं आपको, और आप सारे कंपैरिजन कर रहे हैं तीनों बात जी। बात को समझे पहले, गलत कंपैरिजन नहीं करना चाहिए ना, तथ्यहीन बातें हैं ना। बहुत शुक्रिया, तभी मैं तुम्हारा कैसे बोलने दीजिए उनको, और मजीद बल्कि आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा जो जिसके नरेंद्र मोदी साहब और कह रहे हैं कि इनको इनको रगड़ के रख दो मुसलमानों को। ये बातें सारी की सारी हमें पता है, छोड़ दें इन बातों को। बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा, आप बता दीजिए आपके पास में कोई प्रूफ है करके जो सिर्फ इसी बात के ऊपर मैं प्रोग्राम करने को रेडी हूँ कि अगर इस ढंग का कोई भी मैंने वो देखा ये पाकिस्तान में डॉक्टर वीडियो देखते हैं। मैं आपको कल चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने किसी भी धर्म के लिए अगर ये कहो कि इनको रगड़ के रख दो या ऐसी कोई बात कह दें। मैं आपको ये कहता हूँ, ऑथेंटिसिटी चेक करवा के बोलिए, लेकिन अपनी बात कम्प्लीट कीजिए जी। अभी जो बात थी उसी पे रहे, जो मैंने कहा कि आगे हकानी पे इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम उन पे भी लगे हैं, इल्जाम बहुत लोगों पे लगते हैं, और इल्जाम के बाद आज उनकी हुकूमत है, डेफिनेटली वो मिनिस्टर बन गए हैं। तो ये तो नहीं कि अमेरिका ने उन पर रखा ना, तालिबान ने तो नहीं उन पर इनाम रखा था। अब बात यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने किया सर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको अप्रूव किया है हक्कानी को, जिसमें चाइना रशिया सब आते हैं, और पाकिस्तान ने भी हक्कानी को आतंकवादी पर ठहराया था ना, आज नहीं ठहराया उन्होंने, कल का वो आज वो क्योंकि उनकी हुकूमत आ गई। आप नहीं ठहरा रहे, मैं ये नहीं कह रहा। मोहन साहब की बात सुने, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं जी। नहीं, आप बात को ना, बात को घुमाते बहुत है, बात घुमानी नहीं है, बात सीधी करें। आप इल्जाम ये था कि वो टेररिस्ट था, आज उनको उन्होंने मुल्क हासिल कर लिया, वहां वो मिनिस्टर बन गए, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर। अच्छा मुझे बताएं एक बात, ये जो है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, ये कौन था पहले आप बताएं, चले कोई जवाब दे, कौन था ये?
सर मैं क्या बताऊं, मैं वहां पर रहता नहीं हूं, आपको ज्यादा पता, पाकिस्तान से आते हैं, मैं बता ज्यादा बैकग्राउंड जाता है। का नायक था ये, अच्छा का नायक था और आज वो प्राइम मिनिस्टर बन गया अफगानिस्तान का। यूएस को कैसे बन गया, वो तो अशरफ गनी का आदमी था। बात ये है कि ये चीजें चलती रहती हैं ऐसे सियासतों में। उन्होंने वो बंदा लिया कि वो एक उसको हुकूमत करनी आती थी क्योंकि अशरफ गनी के साथ काम कर रहा था, इसलिए उन्होंने उसको वजीर अजम बनाया। इसका मतलब है वो क्वालिफाइड आदमी था। अरे वाह, ये तो नहीं कि वो मुल्ला हो गया, मुल्ला तो उसको कहते ही होंगे, लेकिन वो एक समझदार पढ़ा लिखा आदमी है। अरे जी क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। एक छोटा सा ब्रेक और एकदम आखिरी पर हम आएंगे, बहुत क्विकली सबको एक एक डेढ़ मिनट में अपनी बात रखनी है, वो भी महिलाओं के खवातीनों के हवाले से बात रखनी है, उस पर सबसे बेबाकी से पूछूंगा। मोनी साहब आपके ऊपर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि आप पत्रकार हैं और सबका जवाब भी दे रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, राइट वे जुड़ते हैं आपके साथ, बराबर होती रहती है। तो अभी जो लग रहा था कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र आ रहा है, औरतों को आजादी मिल रही है, अफगानिस्तान में जाते हैं औरतों को खेलने के ऊपर, मतलब ऐसा क्या अपराध कर दिया कि लड़कियां खेल नहीं सकती, और कौन सी दुनिया में हम आप, तो इसके ऊपर जो जो तालिबान का ये जो तालिबानी फरमान है, ये जो फतवा है, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर क्विकली एक मिनट में। देखिए मैं कोई जो मुस्लिम लॉ है उसका कोई विशेषज्ञ नहीं, लेकिन मैं एक अफगानी लड़की से बात कर रहा था जो इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहती है। तो मैंने उनसे बोला कि भाई आप मुसलमान हैं और आप लोग ऐसा तो नहीं है कि अभी अमेरिका में पहुंच कर आप क्रिश्चियन बन गए, तो आपको क्या परेशानी है अगर वहां पर ये इस्लामिक लॉ वो लगाते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया कि भाई ये तो इस्लामिक लॉ है ही नहीं, कहीं पर भी ये कुरान शरीफ में या जो और जहां से भी इनके लॉज आते हैं उसके अंदर ये कहीं भी नहीं लिखा गया कि औरत को अपना पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये तो सिरे से गलत है। तो आप एक ऐसा काम नहीं कर सकते कि इस्लाम के नाम पर आप कुछ कर रहे हैं लेकिन वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो इस्लाम के अंदर ही वो कबूल नहीं है, पहली चीज तो ये है। दूसरी, कौन सी आजादी और किससे आजादी, किससे आजादी के लिए लड़ रहे थे, मतलब ये तो ऐसा हुआ कि हम अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए लड़ रहे हैं लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं उनको अंग्रेजों ने ही पैदा किया, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर वो आजादी के लिए अमेरिका से लड़ रहे थे तो अमेरिका को क्या जरूरत थी कि वो अपनी वहां पर एक ऐसी सेना बनवाते जो उन्हीं के खिलाफ कर लड़े। तो मतलब कुछ एक तर्क ऐसे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को सिर्फ स्त्रियों तक सीमित रखता हूं। अगर स्त्रियां साथ में पढ़ सकती हैं, स्त्रियां अगर साथ में काम कर सकती हैं, स्त्रियां अगर साथ में सोने के ऊपर भी, क्या हुआ उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे क्या, ये बोलेंगे कि जहां पुरुष हैं वहां स्त्रियां नहीं आएंगी, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो फिर उनके ऊपर ये भी बोलो कि स्त्रियों के साथ सोने पर भी आपकी पाबंदी है, पर वो नहीं होगा। तो ये कुछ बिना सरपैर की बातें हैं, इसीलिए मैं भी एक बिना सरपैर की बातें कर रहा हूं। आधी जो पृथ्वी है वो स्त्रियों ने बनाई है और वो जो भी है वहां पे आप उसको प्रभु बोले, भगवान बोले, अल्लाह बोले, गॉड बोले, उसी ने इनको भी वहीं से और उसी तरह से पैदा किया है। और हम जब पैदा होते हैं हम भी एक स्त्री के द्वारा ही पैदा होते हैं। तो उनको ये कहना, हमारी माँ को ये कहना कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम खेल सकती हो, वो मुझे खिला खिला कर बड़ा किया उसने, मैं अपनी माँ को अब ये बोलूं नहीं तुम नहीं खेल सकती। या एक अफगानिस्तान की जो औरतें हैं वो किस, उनको जरूरत नहीं थी इस सब की, वो इससे पहले बहुत आजाद थी जी, जब जी, रिपब्लिक जी। वहां पर था, वहां पर मैंने कल भी बोला था, वहां की औरतें भारत और पाकिस्तान की औरतों से बहुत आजादी उनको मिली हुई थी, हमने उनकी वो आजादी छीन ली इस्लाम के नाम पर, हमने इस्लाम में ही, मतलब ये कोई बात नहीं हुई, आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। वहीं पर जो मुझे उस लड़की ने बोला वो कहती है ये कहीं पर भी इस्लाम में नहीं लिखा हुआ, और मेरे साथ दो ऐसे लोग बैठे हैं जिनका ज्ञान इस्लाम के बारे में मेरे से अधिक होगा, वो मुझे बताएं कहां पर कुरान शरीफ में या कहां पर किस जगह ये लिखा गया है कि स्त्रियों को इस तरह की आजादी, खेलने की आजादी,
या सत्ता में होने की आजादी या काम करने की आजादी या एक पत्रकार होने की आजादी नहीं है। संदर्भ में आप क्या कहेंगे? लड़कियों को खेलने की आजादी के ऊपर पाबंदी वो कह रहे हैं इस्लाम के नाम पर नहीं होगी, क्या कहेंगे इस पे? इस्लाम ने ऐसा कोई मना ही नहीं की है। हर तरह की आजादी, जो आदमी को आजादी है वही औरतों को भी आजादी देने का इस्लाम में है। अल्लाह के रसूल भी जो है बेटी बहुत इज्जत किया करते थे, महिलाओं की बहुत इज्जत किया करते थे और उसी इज्जत से देखना चाहिए। ये केवल प्रधान समाज ने इसको बांटने के लिए अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा है। इस्लाम का, इस्लाम से, कुरान से, शरीयत से कोई संबंध नहीं, ये मेरा शब्द जी। बहुत बेहतर, बहुत अच्छी बात आपने कही मोइन साहब। अब मैं आपको आखिरी में नहीं ले रहा हूँ, आपको बीच में ले रहा हूँ। कुमार राकेश साहब को आखिर में लूंगा। मोहित साहब, आपके हिसाब से क्या इस्लाम के अंदर में खवातीन जिन्हें बोला जाता है, लड़कियां बोला जाता है, स्त्री जा, जो कि आधी कायनात है, जिसके बगैर इंसान पैदा नहीं हो सकता, ना आदमी ना औरत कोई नहीं पैदा हो सकता, तो उनके ऊपर क्या कुरान में, क्या इस्लाम के अंदर में उनके खेलने के ऊपर वो पाबंदी है क्या? क्या आप इसी कानून को जानते हैं और आप इस्लाम, आप मुस्लिम भी हैं, पत्रकार भी हैं, कोई ऐसी जानकारी हो तो हमारे जैसे बाकी पैनलिस्ट उन्होंने कहा कि शेयर करें, बताइए प्लीज। नहीं, ऐसी कोई पाबंदी इस्लाम में नहीं है कि ख्वातीन खेल नहीं सकती हैं। ख्वातीन खेल सकती हैं, लेकिन एक जो 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 हुक्म है कि जैसे कि तमाम मजाहिब के अंदर है, औरत का एक पर्दा होता है, उसने अपने जिस्म का करना होता है, वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, वो सभी करते हैं। उसको कवर करके वो क्रिकेट भी खेलें, वो हॉकी भी खेलें, वो फुटबॉल भी खेलें, टेबल टेनिस खेलें, जो मर्जी खेल सकती हैं, इसमें कोई शर्त नहीं। और पढ़ाई भी करें, अपना एक पर्दा के लिए एक पर्दा ये है कि उसने अपने जो शर्म गाए हैं उसका पर्दा करें। शर्माए समझते हैं ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। आप खेलें, जो आप तालिबान की बात कर रहे हैं, तालिबान को आप क्या इस्लामी मुल्क समझते हैं? ये इस्लामी नहीं है, ये उनका तालिबान का, ये मुल्लाओं का एक खास मजहब है। उन्होंने अपना एक बना लिया है, जो वो एक उनका आप इस कह सकते हैं कि वो तंग नजर किस्म के लोग हैं। लेकिन अब जो फर्क है ना, अगर ऐसे 20 साल पहले अगर तालिबान देखेंगे ना, जैसे कि मुल्ला उमर का दौर था, उसमें और आज का जमीन आसमान का फर्क पड़ चुका है। मैं सिर्फ आपको पहले हिस्से में भी ये कहा था कि थोड़ा इनको टाइम दें, अभी हुकूमत भी नहीं मुकम्मल बनी है। हुकूमत बनने के वक्त के साथ से ये तब्दीली आएगी, क्योंकि इसमें चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, रशिया, ये सब शामिल हैं और उन्होंने अपने मुताबिक काम करना है और फिर इन्होंने दुनिया के साथ भी ताल्लुकात बनाने हैं। तो बहरहाल ये जो है, ये वक्त के साथ साथ बात होती रहेगी। इस्लाम में कोई ममानियत नहीं है खेलने की। बहुत खूबसूरती से मोइन साहब ने बेबाकी के साथ में अपनी बात कही, कहा इस बात को सबके सामने कि नंबर एक जी मैं कंप्लीट कर लूं कि इस्लाम के अंदर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। विनोद जी, आपने उंगली उठाई है, बहुत क्विकली क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? जो वाशिक है उनका प्रवक्ता, वो बहुत साफ साफ कह रहा है कि हम अपनी इस लाइन में कहीं भी परिवर्तन नहीं करेंगे, जो हमारा ही रहेगा और भविष्य में हमारा कोई बदलने वाला नहीं है। ठीक 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 ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब उन्होंने क्या कहा है जी? मोइन साहब उनको तालिबान को रिप्रेजेंट नहीं करते, उनके अपने विचार हैं। कुमार राकेश जी, आखिरी बात आपके साथ में, आपने सबकी बात सुनी, मोइन साहब ने, अयूब साहब ने, जो कि दोनों इस्लाम से आते हैं, दोनों ने साफ कहा कि कुरान और में या इस्लाम के अंदर में ऐसी कोई बात नहीं है। रहा सवाल, हम सभी इस बात के पक्षधर हैं, मतलब हिंदू या सिख हो या बाकी और धर्म के लोग हैं, वो भी कहते हैं कि भाई लड़कियों को, औरतों को अपने शरीर को ढक करके जितना चलते हैं उसमें कोई गलत नहीं है, कोई भी नहीं चाहेगा स्त्री नग्न रूप में जाए या जो चीजें हैं वेस्टर्न समाज की, पश्चिमी समाज की, बहुत सारी चीजों को शायद हम भी नहीं बर्दाश्त करते, हमें भी पसंद नहीं है। तो आंसर तो उन्होंने दिया है सारे मामले पर, बहुत क्विकली क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने वाला है, आप क्या कहेंगे आखिरी बात? सर, आपने बात की शुरुआत की है इसलिए आखिरी बात तो हो ही नहीं सकती। और मैं जो सुना अयूब साहब को, मैं नमन करता हूं कि अयूब साहब ने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में एक फैक्चुअल बात कही
और सच्ची बात कही, और साथ साथ जो उन्होंने अपने तरफ से अयूब साहब ने जो इस्लाम की व्याख्या की, जो बताया वो भी एक सच है। जो जो होता क्या है, अभी जो जहाँ तक लंबी बात हो जाएगी, जो मोइन साहब ने बोला, तो मोइन साहब को सुनने के बाद मैं भ्रमित हो जाता हूँ। कभी वो इतनी अच्छी बातें करते हैं, लगता है इससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं, और कभी कभी ऐसी भ्रमित वाली बातें कर देते हैं तो गुस्सा भी आता है। लेकिन चूंकि हमारी बिरादरी के पत्रकार हैं तो प्यार तो करना ही पड़ेगा, चूंकि बिरादरी का मामला है, था अपनी बिरादरी को तो अलग कर नहीं सकते, चाहे जैसे भी हों, जिस तरह से हों। तो दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि मैं आपको ये मानने की बात कर रहा हूँ कि जो बात आपने कही कि महिलाओं को, लड़कियों को, औरतों को जो खेल के लिए अधिकार की बात है, तो आधी आबादी की बात है, सबने कहा स्वीकार है। जो तालिबानी है, जो भी तालिबान सरकार के लोग हैं, उनसे हमारे जो बिरादरी के लोग हैं, हम चाहेंगे हमारे मोइन साहब को वहाँ भेजें या वहाँ जाके कवरेज करें, उनसे पूछें कि क्या तुम का किसकी कोख से पैदा हुए हो, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती कि जिसके कोख से तुम पैदा हुए हो उसी को तुम गाली गलौज कर रहे हो, उसको अपमान कर रहे हो, ये किस कुरान के किस पन्ने में लिखा है मेरे पास, फिर मैं बताऊं, मैं फिर आपसे बताऊं कि बात जो है समझने और समझाने की है। और मैं समझने के लिए मैं जो भी हिंदी पढ़ चुका हूं ये मैं फिर बताता हूं, जो ये मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं समझने की हिंदी अनुवाद में कुरान मजीद लिखा हुआ है उसके ऊपर। जी चलिए क्विकली सम अप करें आज की बात को। जी कोई इख्तलाफ ही नहीं है आपकी बात से, कोई इख्तलाफ ही नहीं है। जी जी सकता मैं आप लोग सब लोगों ने अपनी बात कही, मैं हमारे टेक्निकल डायरेक्टर साहब सुन लीजिए, नहीं सभी इसी तरह से अपनी बात कहना चाहेंगे। मेरा निवेदन सिर्फ इस बात से है कि आज की बातचीत बड़ी महत्वपूर्ण हुई और सभी इस बात से एग्री हैं कि इस्लाम से लेकर के किसी भी धर्म में ऐसी नई बात कही गई है कि लड़कियों को औरतों को खेलने की इजाजत नहीं है। इसमें सबसे आखिरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसका मतलब जिस तरह का इस्लाम लेकर के आ रहे हैं तालिबान अफगानिस्तान में, वो इस्लाम नहीं है। अकॉर्डिंग टू अयूब खान साहब, अकॉर्डिंग टू जो हमारे मोइन साहब हैं, वो वाकई असली इस्लाम नहीं है। हदीस की बात करें या कुरान की बात करें, क्योंकि इन लोगों के पास में इसकी ज्यादा जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे पैनलिस्ट का आज के प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। मैं अपने हमारे जो